स्नेह राणा। कुछ घंटों पहले तक इस नाम से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये एक मामूली नाम था जिसे पुकारे जाने पर शायद ही कोई सर हिलता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। राणा ने ब्रिस्टल के मैदान पर 195 मिनट में वो हासिल कर लिया जो कई क्रिकेटर पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। पहले तो अपनी बॉलिंग और फिर बैटिंग से राणा ने कमाल का डेब्यू करते हुए पूरी दुनिया को अपने हुनर से वाकिफ करा दिया। अगर आपने विमेंस टीम का टेस्ट मैच देखा होगा तो आपको राणा की बैटिंग के 195 मिनट की कीमत पता होगी। नहीं देखा तो जान लीजिए कि राणा और तान्या भाटिया के बीच 9वें विकेट के लिए हुई 104 रन की पार्टनरशिप सिडनी में अश्विन और विहारी के बीच हुई पार्टनरशिप से कम महत्वपूर्ण नहीं थी। फॉलो ऑन खेलते हुए भारत ने 199 के टोटल पर हरमनप्रीत का विकेट गंवाया। 7 विकेट खो चुके भारत के पास अभी सिर्फ 34 रन की लीड थी। इसके बाद आई शिखा पांडे ने भी 70 मिनट बैटिंग की, लेकिन 240 के टोटल पर वो भी आउट हो गई। अब काफी ओवर बाकी थे और इंग्लैंड को जीत साफ दिखने लगी थी, लेकिन यहां से राणा और भाटिया ने जो खूंटा गाड़ा वो खराब लाइट के चलते मैच खत्म होने पर ही उखड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड को खूब फ्रस्ट्रेट किया। इंग्लिश कैप्टन हीदर नाइट ने 7 बोलिंग ऑप्शन ट्राई किए, लेकिन 7 मिलकर भी इन दोनों को हिला नहीं पाए। आइए बताते हैं कौन है स्नेह राणा। अपने डेब्यू टेस्ट में 8वें नंबर पर बैटिंग करने उतरी 27 साल की राणा 80 रन बनाकर नाबाद लौटी, जबकि भाटिया ने 44 रन की नाबाद पारी खेली। राणा की ये पारी इसलिए भी खास है क्योंकि इस टेस्ट में उनका खेलना ही पक्का नहीं था। आखिरी बार 2016 में भारत के लिए खेलने वाली स्नेह राणा ने एकता बिष्ट और पूनम यादव जैसी स्पिनर्स को पछाड़ कर टीम में एंट्री ली थी और वे कैप्टन मिताली द्वारा दिखाए गए इस भरोसे पर पूरी तरह खरी उतरी। मैच में भारत की ओर से सबसे ज्यादा 39.2 ओवर फेंकने वाली स्नेह ने अपनी ऑफ स्पिन से 4 विकेट निकाले। साल 2016 के फरवरी महीने में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी बार नीली जर्सी में दिखी देहरादून की स्नेह के पिताजी उन्हें दोबारा भारतीय कलर्स में देखने की इच्छा लिए साल 2021 में दुनिया छोड़ गए थे। ऐसे में स्नेह के लिए डेब्यू करना आसान नहीं था। इस बारे में उन्होंने क्रिक इन्फो से कहा था, इंग्लैंड टूर के लिए स्क्वाड अनाउंस होने से पहले आज से 2 महीने पहले मैंने अपने पिताजी को खो दिया। मैंने उन्हें खोया इसलिए ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। टेस्ट डेब्यू करना मेरे लिए भावुक करने वाला पल था। वे मुझे दोबारा से भारत के लिए खेलते देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन ठीक है, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। उनकी मृत्यु के बाद मैंने जो कुछ भी हासिल किया है या करूंगी वो सब मैं उन्हें समर्पित कर दूंगी। बता दें कि इंग्लैंड टूर के लिए सेलेक्ट होने से पहले राणा ने घरेलू 50 ओवर के टूर्नामेंट में बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया था। मिताली राज की कप्तानी वाली रेलवे के लिए खेलते हुए राणा 18 विकेट लेने के साथ 123 की स्ट्राइक रेट से 160 रन भी बनाए। फाइनल में उन्होंने 34 रन की नाबाद पारी खेलने के साथ 33 रन देकर 3 विकेट भी निकाले थे। इस प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें इंग्लैंड टूर की टीम में चुना गया था। स्नेह राणा को अपना क्रिकेट करियर जारी रखने के लिए काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। साल 2016 में श्रीलंका के खिलाफ हुई T20I सीरीज के बाद वे खराब फॉर्म और चोटों के चलते 2 साल से ज्यादा वक्त तक टीम से बाहर रही। भारतीय महिला टीम का कैलेंडर देखें तो इतने लंबे वक्त तक बाहर होने के बाद वापसी आसान नहीं होती, लेकिन स्नेह राणा अपने लक्ष्य को लेकर अडिग थी। चोट से उबरते ही उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जान लगा दी। घरेलू टूर्नामेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की और फिर इंग्लैंड के खिलाफ कमाल कर दिया। सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानने वाली स्नेह उत्तराखंड में वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना करना चाहती है, जिससे उनके बाद आने वाली वुमेन क्रिकेटर्स को दिक्कत न हो। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। शुक्रिया।